हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अटैचमेंट डेटा टाइप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब आप कोई भी डाटा एंट्री फॉर्म बनाते हैं तो उस समय अटैचमेंट डेटा टाइप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं अटैचमेंट डेटा टाइप को हम यूज़ कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, यहाँ से ब्लैंक डेटा बेस चूज़ करना है। और जैसे ही चूज़ करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट या जो भी आप डालना चाहें यहाँ डेटाबेस का नाम डाल के क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट की टेबल बना लेता हूँ, स्टूडेंट टी लिख देता हूँ, स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, तो ये लिख दिया रोल अंडरस्कोर नंबर। अब ये जो है प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहती है। और यहाँ पर डेटा टाइप क्या रखा गया है, ऑटो नंबर। आप चाहे तो इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको मैं ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, और फिर यहाँ पर अगला जो है वो रखूंगा मैं फोटो, फोटो PHOTO फोटो। और यहाँ पे फोटो को रखूंगा अटैचमेंट डेटा टाइप। तो कैसे यूज करेंगे इसको, इसी के बारे में देखेंगे हम। तो ये अटैचमेंट रख दिया है, और अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाता है। तो अभी यहाँ पे रोल नंबर में तो रोल नंबर ही आएगा, और नेम ऑफ स्टूडेंट में नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रविंद्र, रविंद्र, और यहाँ पे लिखा धोनी, ठीक है, तो इस तरह के कुछ नाम है। और यहाँ पर विराट ये लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी, जैसे जसप्रीत लिख दिया, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, तो ये लिख दिया जसप्रीत। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अटैचमेंट सा दिख रहा होगा जैसा आपके ईमेल आईडी पे दिखता है ईमेल ओपन करते वक्त, तो बस इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करके ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड करना है, वही फोटोज ऐड करनी है जो आपके डेस्कटॉप पर या जहाँ भी पड़ी हो उसी को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला कौन है, रविंद्र जडेजा है, तो यहाँ से रविंद्र जडेजा वाली फोटो हमें उठानी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, तो ये रहा, तो यहाँ पे हमने रविंद्र जडेजा वाली फोटो यहाँ पे डाल दी है। अब यहाँ पे दूसरा है धोनी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से धोनी वाली फोटो उठा लेंगे। तो वापस चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, तो ये डेस्कटॉप पे आ गए, और यहाँ पर धोनी वाली फोटो हमें लेनी है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। ये देखिए ये रहा, डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, और ऐड पे जाने के बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगला, तो ये है विराट, तो यहाँ से विराट हम ले लेंगे। तो पहले तो डेस्कटॉप पे चलना होगा, ये डेस्कटॉप पे आ गया, अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा विराट, तो यहाँ से हम ले लेते हैं विराट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे और तो ये रहा, तो ये विराट ले लिया और यहाँ से ओके किया। अब यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की फोटो लेनी है, तो ये जसप्रीत बुमराह है, स्टूडेंट का नाम है जसप्रीत बुमराह, तो यहाँ पर हम जसप्रीत बुमराह के फोटो लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर ये फोटो मौजूद है, देख लेते हैं एक बार, ये रहा, तो इस पर डबल क्लिक कर दिया, अब ओके कर दिया, तो ये हमारा बन गया। अब ये तो बन गया, लेकिन इसको कन्वीनियंट वे में देने के लिए हम फॉर्म बनाएंगे। और फॉर्म कहाँ से बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, फॉर्म डिजाइन पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, फॉर्म डिजाइन, या ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म। तो ये ब्लैंक फॉर्म हमने ले लिया, और हम थोड़ा सा आ जाएंगे डिजाइन व्यू पे, तो ये आ गया डिजाइन व्यू पे, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये शो टेबल्स। तो यहाँ पर जब आएंगे ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में जो भी रिकॉर्ड आपने डाले हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो बस एक एक करके लेके आते जाइए, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे लेके आएंगे, या ऐसे कर देते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें थोड़ा सा सेटिंग भी आप कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा इस तरह से करना हो तो आसानी के साथ किया जा सकता है। ये देखिए ये हो गया, और यहाँ पे करने के बाद इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सेट कर देंगे, और यहाँ पर फोटो ले लेंगे। तो फोटो जो अटैचमेंट डेटा टाइप है वो भी ले लिया है हमने, और इसको थोड़ा सा आप साइड में करेंगे या नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में करते हैं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये कर दिया है फोटो, और फोटो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम यहाँ से, और ये साइज भी थोड़ी बड़ी रखेंगे, और यहाँ पे ये फोटो जो लिखा हुआ है स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया, और ये इसका एरिया भी बड़ा करेंगे, तो ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करना है, अब हमें सीधा सीधा इसको सेव करना है, तो इस फॉर्म को हम सेव करेंगे तो स्टूडेंट एफ के नाम से सेव कर लेते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट एफ, ठीक है। अब ये स्टूडेंट एफ के नाम से सेव कर दिया। अब जबकि हम इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ जसप्रीत बुमराह की रविंद्र जडेजा की फोटो दिखाई दे रही है। अगर आप इस फोटो को और बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो, देख पाने में आसानी हो, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको खींच करके और बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये फोटो इतनी बड़ी हो गई। और अब होम टैब में जाके यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो ये रविंद्र जडेजा आ गए, ठीक है। इसको मैं डिजाइन व्यू पे लेकर थोड़ा फॉर्म का लुक देने की कोशिश करता हूँ, तो प्रॉपर्टी शीट पे चल के और फॉर्म के अंदर जाके
और यहां से इसको यस कर दीजिएगा, तो ये बस अब आ जाएगा, एक फॉर्म वाला लुक आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब यहां से आप जाएंगे ना, तो ये तो आप देखिए विराट कोहली आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे धोनी आ रहा है और ये आ रहा है। अब फोटोज बहुत ही आसानी के साथ नजर आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये डाटा एंट्री छोटा सा फॉर्म कैसे आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ एक वीडियो पेरोल पर भी बनाने वाला हूं और वो भी जल्दी आ जाएगी, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।